नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर रूपाली जैन और आयुर्वेद फॉर एवरीवन में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे और वो है आयुर्वेदिक पंचकर्म चिकित्सा। यह एक शोधन चिकित्सा है, यानी शरीर में जमा जो भी इम्प्यूरिटीज़ है, टॉक्सिन्स है या जो भी अशुद्धियाँ है उसको शरीर से बाहर निकालने की ये प्रक्रिया है। आपने वैसे पंचकर्म ये शब्द तो ज़रूर सुना होगा, पढ़ा होगा, या फिर आप में से काफ़ी लोगों ने पंचकर्म करा के भी लिया होगा। लेकिन काफ़ी बार ये देखा जाता है कि लोगों के मन में पंचकर्म को लेकर काफ़ी सारे सवाल रहते हैं, तो आइए इस वीडियो में इन सभी सवालों को दूर करते हैं और जानते हैं कि पंचकर्म यानी है क्या, इसे कैसे किया जाता है, इसे कब किया जाता है, किसने इसे करना चाहिए, इसे करने की शास्त्रोक्त विधि क्या है, इसे करते समय आपको क्या क्या सावधानी बरतनी है और इसे करना हमारे लिए ज़रूरी क्यों है। पूरी जानकारी के लिए वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिए और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। आयुर्वेद में जब भी चिकित्सा यानी ट्रीटमेंट दी जाती है तो वो मुख्यतः दो प्रकार की होती है, ये है शमन चिकित्सा और शोधन चिकित्सा। तो शमन चिकित्सा यानी क्या, शमन चिकित्सा यानी अगर आपको कोई बीमारी हुई तो उस बीमारी को कम करने के लिए दवाइयाँ दी जाती है। तो ये दवाइयाँ अलग अलग प्रकार की दी जाएगी, जैसे अगर आयुर्वेदिक आप दवाई ले रहे हैं तो वो है आपको चूर्ण दे सकते हैं या फिर गोली दे सकते हैं, काढ़े है, असवरिष्ठ या फिर भस्म या कोई औषधि वनस्पति है उसका रस निकाल के आपको दिया जाएगा। तो इन सभी दवाइयों से या औषधियों से जो आपकी बीमारी है वो कम हो जाएगी, बीमारी के जो लक्षण है वो शांत हो जाएंगे, तो इसे ही शमन चिकित्सा कहा जाता है। लेकिन काफ़ी बार शरीर में दोष या अशुद्धियाँ इतनी बढ़ जाती है कि ये जो लक्षण है बीमारी के ये बार बार होते रहते हैं, तो इस अवस्था में जब आप दवाइयाँ लेते हैं तो वो दवाइयाँ भी काम नहीं करती, तो इस अवस्थाओं में फिर ये जो टॉक्सिन्स है या जो इम्प्यूरिटीज़ है इसे शरीर से बाहर निकालना ज़रूरी हो जाता है और इसे ही शोधन चिकित्सा यानी आयुर्वेदिक पंचकर्म चिकित्सा कहा जाता है। आयुर्वेद में एक बहुत ही सुंदर श्लोक आया है, कहा गया है दोषाः कदाचित् कुप्यन्ति जीता लंघन पाचनैः जीता संशोधनैरेतु न तेषां पुनरुद्भवः। इसका अर्थ क्या है, तो समझिए अगर किसी बीमारी के लिए आपने कोई दवाइयाँ ली तो तब तो आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी, उसका शमन हो जाएगा, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि समय के साथ या फिर आपने परहेज नहीं उसका पालन नहीं किया, पथ्य का सेवन नहीं किया या फिर अगर आपका शारीरिक बल कम हुआ तो किसी भी वजह से वो बीमारी फिर से हो सकती है। लेकिन पंचकर्म चिकित्सा यानी शोधन चिकित्सा से जब दोष या अशुद्धियाँ शरीर से एक बार बाहर निकाल दी जाती है तो ये फिर से उस कारण से आपको बीमारियाँ नहीं होती, इसे जड़ से दूर किया जाता है। तो ये जो पंचकर्म चिकित्सा है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो क्या सिर्फ बीमारी होने पर ही पंचकर्म चिकित्सा करानी चाहिए, तो जी नहीं, स्वस्थ व्यक्ति ने भी उसके स्वास्थ्य की रक्षा के लिए पंचकर्म ज़रूर कराना चाहिए। देखिए आजकल हमारी जो लाइफस्टाइल है वो उतनी अच्छी नहीं है और लाइफस्टाइल रिलेटेड जो भी डिसऑर्डर्स है यानी उसमें फिर हाइपरटेंशन है यानी बीपी है या डायबिटीज़ है, कार्डियक प्रॉब्लम्स है यानी हृदय से संबंधित कोई विकार है या थायराइड से संबंधित बीमारियां है या फिर ओबेसिटी यानी मोटापा है, तो ये आमतौर पे देखा जाता है। और ऐसे भी नहीं है कि जिसको कोई भी बीमारी नहीं है वो व्यक्ति स्वस्थ है, तो ऐसा नहीं है। आयुर्वेद ने स्वस्थ व्यक्ति की जो व्याख्या बताई है उसमें उन्होंने बताया है समदोषाः समाग्निश्च समधातु मलक्रियाः प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मन स्वस्थ इत्यभिधीयते, यानी जिसके शरीर में वात पित्त कफ ये तीन दोष रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र ये सात धातुएं मल मूत्र स्वेद ये तीन मल, और जिसकी अग्नि समावस्था में है यानी जो बैलेंस है ना कम ना ज़्यादा तो ऐसे समावस्था में है, और इसके साथ ही जिसकी आत्मा इंद्रिया और मन ये प्रसन्न है वही व्यक्ति स्वस्थ है। तो सभी ने स्वास्थ्य का पालन करने के लिए यानी अगर वो हेल्दी है तो उसे मेंटेन करने के लिए, और अगर आपको बीमारी हुई तो उस बीमारी को दूर करने के लिए भी पंचकर्म चिकित्सा कराना ज़रूरी है। अब देखते हैं कि पंचकर्म इस शब्द का अर्थ क्या है। पंचकर्म, पंच यानी पाँच और कर्म यानी क्रियाएं, यानी ये पाँच क्रियाएं पाँच प्रोसीजर से, इसमें है वमन
विरेचन, बस्ती, नस्य और रक्तमोक्षण। अलग अलग आचार्यों के अनुसार इन नामों में या सीक्वेंस में थोड़ा अंतर है, लेकिन प्रैक्टिकली यही पांच कर्म किए जाते हैं। ये मेन प्रोसीजर्स यानी प्रधान कर्म है, तो ये इन पंचकर्मों के पहले जो क्रियाएं या प्रोसीजर्स किए जाते हैं उन्हें पूर्व कर्म कहा जाता है, और पंचकर्म कराने के बाद जो किए जाते हैं उसे पश्चात कर्म किया जाता है। यानी पूर्व कर्म, प्रधान कर्म यानी पंचकर्म, और पश्चात कर्म यानी पंचकर्म के बाद किए जाने वाली जो भी प्रोसीजर्स है। देखिए आपको एक उदाहरण देके समझाते हैं। जैसे अगर किसी व्यक्ति को ऑपरेशन कराना है तो ऑपरेशन के पहले उसके कुछ ब्लड टेस्ट की जाएगी या उसके कोई इन्वेस्टिगेशंस किए जाएंगे, उसका फिटनेस लिया जाएगा यानी उसको फिटनेस सर्टिफिकेट दिया जाएगा, उसकी रिटर्न कंसेंट ली जाएगी। तो ये सभी बातें जो है ये प्री ऑपरेटिव में आती है। फिर उसका मेन जो है वो ऑपरेशन होगा, तो ये मेन प्रोसीजर है। और ऑपरेशन के बाद उसको फिर उसका ड्रेसिंग किया जाएगा, उसको घाव सूखने के लिए एंटीबायोटिक्स दिए जाएंगे या फिर उसको पेन किलर्स दिए जाएंगे। तो ये सभी जो है ये पोस्ट ऑपरेटिव ट्रीटमेंट है। तो इसी तरह से आयुर्वेद में भी पंचकर्म चिकित्सा जो कराई जाती है उसमें भी पूर्व कर्म, प्रधान कर्म और पश्चात कर्म किए जाते हैं। पूर्व कर्म में पाचन, दीपन, स्नेहन, स्वेदन ये सब चिकित्सा कराई जाती है। पाचन यानी क्या? ये पचन करने वाली औषधियाँ दी जाती है। दीपन यानी अग्नि को बढ़ाने वाली औषधियाँ दी जाती है। स्नेहन दो तरह से किया जाता है, अभ्यंतर स्नेहन और बाह्य स्नेहन। इसमें आपको अभ्यंतर स्नेहन में घी या तेल या फिर औषधियों से सिद्ध घी या तेल आपको पीने के लिए दिया जाता है, और इसकी जो मात्रा यानी जो क्वांटिटी है वो आपके बीमारी के अनुसार या फिर दोषों के अनुसार उसको उसका निर्धारण किया जाता है। यानी डॉक्टर आपको बताएंगे कि इतनी मात्रा में आपने ये घी या तेल आपने पीना है, और उसको फिर धीरे धीरे बढ़ाया जाता है। और फिर जब शरीर में ये स्निग्धता बहुत अच्छी तरह से आ जाती है तो फिर बाहर से तेल लगाया जाता है शरीर पे, मालिश की जाती है, और उसके बाद सेक भी दिया जाता है। तो इतना सब करने की ज़रूरत क्या है? तो आयुर्वेद में बताया गया है इससे जो शाखाश्रित दोष है वो कोष्ठ में आ जाते हैं। यानी जो दोष अपने मूल जगह से हटकर और कहीं चले गए हैं तो उनको वापस उस डाइजेस्टिव ट्रैक में लाने के लिए ये सब पूर्व कर्म किए जाते हैं, और उसके बाद उन्हें पंचकर्म द्वारा आसानी से शरीर से बाहर निकाला जाता है। पंचकर्म कराने के बाद पश्चात कर्म किया जाता है। इसमें संसर्जन क्रम यानी जो भी आपको खान पान कराने के लिए बताया जाता है वो आपका जो खाना है वो धीरे धीरे बढ़ाया जाता है। यानी आपका अग्नि जैसे बढ़ेगा उसके अनुसार आपका जो खाना है वो धीरे धीरे बढ़ेगा, और कुछ दिनों के बाद आप फिर आपका जो नॉर्मल डाइट है उस पर आएगी। इसके साथ और भी कुछ सावधानियाँ बरतनी ज़रूरी होती है, यानी जैसे बहुत ज़ोर से बात नहीं करना या बहुत ज़्यादा घूमना फिरना, प्रवास करना या दिन में सोना। तो इन परहेजों का भी आपको पालन करना ज़रूरी रहता है। इसके साथ ही ब्रह्मचर्य का पालन ज़रूरी है, और जितने पंचकर्म यानी मेन प्रोसीजर ज़रूरी है उतना ही ये जो पूर्व कर्म और पश्चात कर्म है ये भी करना उतना ही ज़रूरी है। अब हम वमन, विरेचन, बस्ती, नस्य और रक्तमोक्षण इन पंचकर्मों के बारे में एक एक करके देखेंगे। सबसे पहला जो कर्म है वो है वमन। तो वमन कफज विकारों में यानी कफ दोष अगर शरीर में बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो उसको शरीर से बाहर निकालने के लिए किया जाता है, और कुछ विशेष अवस्थाओं में पित्त दोष के लिए भी ये किया जाता है। तो इसमें आपको औषधियाँ दे के मुँह के द्वारा यानी उल्टी करा के दोषों को बाहर निकाला जाता है। तो जिनके शरीर में कफ बढ़ने से कारण बहुत सारी बीमारियाँ या लक्षण दिखते हैं, जैसे अगर किसी को बार बार सर्दी या खांसी होती है या फिर दमा यानी अस्थमा है, या जिनके शरीर पे सूजन आती है, उनको बहुत आलस आता है, नींद बहुत ज़्यादा आती है, भूख नहीं लगती, या फिर मोटापा यानी ओबेसिटी है, या फिर और भी कोई विकार है जैसे हृदय से संबंधित विकार भी इसमें बताए गए हैं। तो ऐसे काफ़ी सारे अवस्थाओं में वमन कर्म किया जाता है। जब भी विकार है यानी कोई बीमारी है तो कोई खास समय नहीं है, जब भी दोषों का उत्क्लेश है यानी दोष उतने बढ़े हुए हैं कि उसको आसानी से शरीर के बाहर निकाला जा सकता है, तो उस समय वमन चिकित्सा कराई जाती है। लेकिन जो स्वस्थ व्यक्ति है उनको अगर ये चिकित्सा करानी है तो उन्होंने वसंत ऋतु में यानी मार्च और अप्रैल महीने में वमन करना चाहिए, और वमन करते समय हमेशा चिकित्सक की निगरानी में प्रॉपर प्रिकॉशन के साथ ही उन्होंने वमन
करना चाहिए। अगर ऐसा वो नहीं करते तो उसका फ़ायदा तो उनको नहीं मिलेगा, नुकसान ज़रूर हो सकता है। इसके साथ ही काफ़ी लोग ये बोलते हैं कि हमने वमन करवा के लिया, और जब हम उनको पूछते हैं तो बोलते हैं नहीं, हमने पानी पी के हम उल्टी कराते हैं, और इसी को वो लोग वमन कहते हैं। तो देखिए, ये जो स्टमक वॉश है ये अलग है, और आयुर्वेद में जो ये वमन चिकित्सा है ये बहुत ही शास्त्रोक्त विधि है, तो इसे आयुर्वेद चिकित्सक की निगरानी में करना बहुत ज़रूरी है। पंचकर्म चिकित्सा का दूसरा कर्म यानी दूसरी चिकित्सा है विरेचन चिकित्सा। तो इसमें औषधियाँ देके अधो मार्ग से यानी गुदद्वार के द्वारा, जुलाब के द्वारा दोषों को शरीर से बाहर निकाला जाता है। ये खास करके बढ़े हुए पित्त को शरीर से बाहर निकालने की चिकित्सा है, या फिर जिनके शरीर में पित्त डोमिनेंट दोष है तो उनके लिए भी विरेचन चिकित्सा कराई जाती है। अब जैसे अगर किसी के शरीर में गर्मी बहुत बढ़ जाती है, जलन होती है, त्वचा से संबंधित अगर उनको कोई बीमारी है, या फिर आँखों में बहुत जलन होती है, या फिर कामला यानी पीलिया जैसे अगर कोई बीमारी है, या पित्त के बढ़ने के कारण जिनको बालों की समस्या है, फिर जैसे बालों का झड़ना है, सफ़ेद होना है, तो इन सभी अवस्थाओं में विरेचन चिकित्सा कराई जाती है। और इसके साथ ही स्वस्थ व्यक्ति यानी हेल्दी व्यक्ति जिसको कोई बीमारी नहीं है, वो भी शरद ऋतु में यानी अक्टूबर महीने में विरेचन चिकित्सा करा सकता है, क्योंकि अक्टूबर महीने में जो पित्त दोष है वो स्वभावतः शरीर में बढ़ता है, तो जो स्वस्थ व्यक्ति है वो भी विरेचन चिकित्सा ज़रूर करवा सकता है। पंचकर्म चिकित्सा में तीसरा कर्म या तीसरी चिकित्सा है बस्ती चिकित्सा। देखिए, आयुर्वेद के हिसाब से ज़्यादातर बीमारियाँ शरीर में वात दोष के बढ़ने के कारण होती है, और जो बस्ती चिकित्सा है वो वात को जीतने के लिए सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा यानी बेस्ट ट्रीटमेंट मानी गई है। तो बस्ती चिकित्सा में क्या किया जाता है, तो इसमें औषधियों से सिद्ध तेल है या फिर काढ़े है, दूध है, इनको गुदद्वार के द्वारा यानी एनल ओपनिंग के द्वारा शरीर के अंदर डाला जाता है। जैसे आपने एनिमा के बारे में सुना होगा वैसे ही प्रोसीजर है, लेकिन इसमें शास्त्रोक्त विधि अपनाया जाता है। इसके भी बहुत सारे प्रकार है, जैसे अगर महिलाओं में गर्भाशय से संबंधित अगर कोई बीमारी है या फिर वंध्यत्व है तो उनको योनि मार्ग के द्वारा बस्ती दी जाती है, इसे उत्तर बस्ती कहा जाता है। इस तरह से बस्ती के बहुत अलग अलग प्रकार है, इसमें औषधियाँ भी अलग अलग इस्तेमाल की जाती है, इसकी मात्रा भी अलग अलग है, इसका ड्यूरेशन भी अलग अलग है। तो बस्ती चिकित्सा जिनको जोड़ों में बहुत ज़्यादा दर्द है, या फिर शरीर में कहीं भी दर्द है, या फिर अकड़न है, या फिर जैसे वात रक्त है यानी गाउट की बीमारी है, या किसी को पैरालिसिस यानी पक्षाघात हुआ है, या फिर जो अर्दित है यानी बेल्स पाल्सी है, जिनका मुंह टेढ़ा हो गया है, तो ये सभी लोग इसे कर सकते हैं। इसके साथ ही जिनको पेट में बहुत फूलापन लगता है, पेट अच्छे से साफ नहीं होता, तो इस तरह से वात से संबंधित सभी बीमारियों में आप बस्ती चिकित्सा करवा सकते हैं। जिन लोगों को कोई विकार नहीं है यानी जो लोग बिल्कुल स्वस्थ है वो भी बस्ती चिकित्सा कर सकते हैं, सिर्फ उन्होंने वर्षा ऋतु में यानी बारिश के मौसम में इसे करना चाहिए, क्योंकि इस ऋतु में स्वभावतः शरीर में वात दोष बढ़ता है, तो वो लोग भी वर्षा ऋतु में बस्ती चिकित्सा करवा सकते हैं। इसका नाम जो है वो बस्ती चिकित्सा क्यों पड़ा, तो देखिए पुराने ज़माने में इसे करने के लिए प्राणियों का जो मूत्राशय है यानी जो ब्लैडर है उसे इस्तेमाल किया जाता था, और मूत्राशय यानी ब्लैडर को संस्कृत में बस्ती कहा जाता है, तो इसलिए इसका जो नाम है वो बस्ती पड़ा है। पंचकर्म में चौथा कर्म है नस्य चिकित्सा। आयुर्वेद में बताया गया है नासा ही शिरसो द्वारम, तो ऊर्ध्व चतुर्गत यानी गर्दन के ऊपर के सभी विकारों में नस्य चिकित्सा की जाती है। तो देखिए, जितने भी ENT रिलेटेड डिसऑर्डर्स है यानी जिसमें कान नाक गला या फिर सिर से संबंधित विकार है, या किसी को बार बार सर्दी होती है, बालों से संबंधित अगर कोई बीमारियाँ है, या फिर यहाँ पे जितनी भी इंद्रियाँ है उनको अगर कोई बीमारी है, या फिर किसी को स्मरण होता है यानी उनको याद नहीं रहता, या फिर बहुत ज़्यादा टेंशन होता है, बहुत गुस्सा आता है, इरिटेशन होता है, बहुत स्ट्रेस रहता है, तो इन सभी अवस्थाओं में नस्य चिकित्सा करवा सकते हैं। नस्य चिकित्सा में औषधियों से सिद्ध तेल है या घी है या फिर काढ़े है, इसकी कुछ बूंदें नाक में डाली जाती है। इसके भी बहुत सारे प्रकार है, इन प्रकारों के अनुसार कितनी बूंदें डालनी है, उसका ड्यूरेशन कितना रखना है, ये सभी बातें अलग अलग रहती है। ये बहुत उपयुक्त है, और इसको किसी बीमारी में ही नहीं तो स्वस्थ व्यक्ति भी हमेशा नस्य चिकित्सा करवा सकता है, और इसके लिए कोई पर्टिकुलर सीजन की भी
ज़रूरत नहीं कि इसी ऋतु में इसी मौसम में आपने करना चाहिए, तो आप इसे हमेशा कर सकते हैं। आजकल जितने भी लाइफस्टाइल रिलेटेड जो भी डिसऑर्डर्स है या फिर बहुत ज़्यादा टेंशन रहता है या फिर कभी कभी भूल जाता है आदमी, तो इन सभी अवस्थाओं में नस्य चिकित्सा वो करवा सकता है। इसके साथ ही जो हमारी इंद्रिया है वो सभी इसी भाग में है, तो वो इंद्रियों को निरोगी रखने के लिए भी ये बहुत अच्छी चिकित्सा है। पंचकर्म चिकित्सा में पांचवा यानी सबसे आखिरी कर्म है रक्त मोक्षण। रक्त मोक्षण यानी जो अशुद्ध रक्त है यानी इम्प्योर ब्लड है उसको शरीर से बाहर निकालना। तो अगर ये लोकल इम्प्योरिटी है यानी अगर किसी को त्वचा से संबंधित विकार है और रक्त दृष्टि है वो लोकल है यानी वहाँ पे स्थानिक रक्त दृष्टि है, तो वहाँ पे जलौ का या लीच लगा के जो दूषित रक्त है उसको वहाँ से निकाला जाता है, या फिर आयुर्वेद में श्रृंग अलाबू इसका भी वर्णन है। ये जैसे कपिंग थेरेपी है, इसमें वैक्यूम क्रिएट करके वहाँ का जो दूषित रक्त है उसको शरीर से बाहर निकाला जाता है। लेकिन जिनके शरीर में पूरे शरीर में रक्त से संबंधित कोई विकार है यानी रक्त धातु अगर दूषित हो गया है, तो फिर उन्होंने सिरा व्यध यानी वेन के द्वारा उस दूषित रक्त को शरीर से बाहर निकालने के लिए बताया है। अब देखिए, जो हम जलों का यानी लीच अगर लगाते हैं तो जो लीच के जो उसके मुंह से जो सिक्रीशंस निकलते हैं उसमें हिरुडिन नामक एक तत्व रहता है और ये एंटीकोएगुलेंट इसकी प्रॉपर्टी रहती है, यानी ये जो खून है उसको जल्दी से क्लॉट नहीं होने देता, तो खून कुछ देर तक बहता रहता है, इसमें सावधानी बरतनी पड़ती है। तो रक्त मोक्षण चिकित्सा हमेशा चिकित्सक के निगरानी में करें। जो रक्त मोक्षण चिकित्सा है वो शरीर में कहीं भी रक्त धातु से संबंधित अगर विकार है, अगर ये दूषित हुआ है और रक्त और पित्त के कारण कोई भी बीमारियां उत्पन्न हुई है, तो आप रक्त मोक्षण चिकित्सा करवा के ले सकते हैं। इसके साथ ही जो व्यक्ति बिल्कुल स्वस्थ है वो भी शरद ऋतु में यानी अक्टूबर महीने में आप रक्त मोक्षण करवा सकते हैं, और इसका बेस्ट ऑप्शन है ब्लड डोनेशन। तो आप ब्लड डोनेट करके खुद का रक्त मोक्षण करवा के इन सभी बीमारियों से बच सकते हैं। जो आचार्य सुश्रुत है उन्होंने ये जो रक्त मोक्षण चिकित्सा है इसको बहुत इंपॉर्टेंट माना है। उन्होंने कहा है अगर व्यक्ति को बीमारियों में अगर बाकी कोई भी चिकित्सा उसको अगर ठीक नहीं करा सकती तो उसे रक्त मोक्षण कराना चाहिए। इस तरह से उन्होंने इसका जो इम्पोर्टेंस है वो हमें बताया है। पंचकर्म चिकित्सा में अब तक हमने वमन विरेचन बस्ती नस्य और रक्त मोक्षण ये पांच मेन कर्म देखे। इसके अलावा कुछ उपकर्म भी बताए गए हैं। ये बहुत ही छोटे छोटे कर्म है, छोटी छोटी प्रोसीजर्स है, इसको आप आसानी से चिकित्सक की सलाह से कर सकते हैं और ये बहुत सिंपल रहती है लेकिन इसके लाभ भी आपको मिलते हैं। तो इसमें जैसे फिर मन्या बस्ती है या फिर कटी बस्ती है, जानु बस्ती है, कर्ण पूरण है, नेत्र तर्पण है या फिर अग्निकर्म है, गंडूष कवल जैसे सिंपल प्रोसीजर्स है, तो इन सभी का समावेश उपकर्म में होता है। आप देखते हैं कि पंचकर्म चिकित्सा क्या आप घर पे कर सकते हैं, तो अगर एक ही शब्द में इसका उत्तर देना है तो नहीं, आप इसे घर पे नहीं कर सकते। इन सभी जो भी ये पांच कर्म बताए हैं इसको चिकित्सक की देखरेख में करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसका शास्त्रोक्त विधि है। इसका जो पूर्व कर्म, प्रधान कर्म, पश्चात कर्म है, इन सब का विधिवत पालन करना, इनको अंडर गाइडेंस करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो इसका नुकसान भी आपको हो सकता है। लेकिन इसमें कुछ अपवाद भी है, जैसे कुछ क्रियाएं है, जैसे नस्य में प्रतिमर्शनस्य है, प्रतिमर्शनस्य में जो नाक में बूंदे डाली जाती है उसकी मात्रा बहुत कम होती है। अगर आप आपकी उंगली तेल या घी में डुबोते हैं तो उसमें जितना तेल आएगा उसमें यानी एक या दो बूंद ही वो तेल रहेगा, उसको आप नाक में डाल सकते हैं। इस तरह से घर में आप प्रतिमर्शन से कर सकते हैं, और इस बूंदे डालने की जगह पे आप उसका सिर्फ नाक के अंदर से उसको तेल को या घी को अप्लाई भी कर सकते हैं, तो इसको आप घर पे कर सकते हैं। या फिर जैसे मात्रा बस्ती है यानी बस्ती चिकित्सा ही है, लेकिन इसको जो तेल या उसमें औषधियाँ इस्तेमाल की जाती है वो बहुत कम मात्रा में होती है, तो इसको भी पहले चिकित्सक के पास सीख के फिर आप घर पे कर सकते हैं, लेकिन इसमें भी प्रॉपर प्रिकॉशन लेना बहुत ज़रूरी है। कुछ उपकर्म है जैसे जानू बस्ती है या फिर कवल गंडूष है, इसको आप आसानी से घर पे कर सकते हैं, लेकिन जो मेन पंचकर्म है उसको हमेशा चिकित्सक की सलाह से अंडर गाइडेंस ही करने का प्रयास करें।
इस तरह पंचकर्म चिकित्सा यानी सिर्फ कोई मालिश करना या फिर स्पा थेरेपी या रिलैक्सेशन थेरेपी नहीं है, ये एक शास्त्रोक्त आयुर्वेदिक विधि है और उसको सही तरीके से करना बहुत ज़रूरी है। उम्मीद है आपके मन में जितने भी सवाल है उसके सारे जवाब आपको इस वीडियो में मिले होंगे। अगर फिर भी कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिए, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आयुर्वेद को अपनाइए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।